So, welcome back guys. बहुत बहुत स्वागत है आपका एम पी के नंबर वन एजुकेशन चैनल लेट्स का पे एग्जाम में और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का पार्ट सिक्स दोस्तों इसके पहले हम ऑलरेडी पहले पांच लेक्चर ले चुके हैं जिनमें आपके लिए हमने बहुत सारी चीजें कवर करी जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले की बात करें तो ब्रह्मांड की बात करी हमने तारों की बात करी पृथ्वी कैसे बनी हम ये बात करेंगे लेकिन उसके पहले दोस्तों एक चीज क्लियर कर लेते हैं क्या क्लियर कर लेते हैं कि आप जहां रह रहे हैं यानी कि जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं इस पृथ्वी में आपने देखा होगा जल, जल भी है और थल भी है यानी कि हम जलमंडल भी है हमारे पास और थलमंडल भी है सूरज और चंद्रमा भी है इसके बारे में हमने बात की थी पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं दोनों के बारे में बात करते रहेंगे लेकिन अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे यहां पर हमारे यहां पर महाद्वीप यानी कि देखो सागर और महादीप हम सबकी जब बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर कि यार सर ये सागर महाद्वीप बने कैसे आए कैसे और कितने महाद्वीप हैं और उनके अंदर कंट्रीज क्या कर रही हैं तो आज हम देखेंगे महादीप के विभिन्न विभिन्न प्रकार के देशेस देश मतलब कंट्रीज ठीक है कंट्रीज देखेंगे देश देखेंगे उनकी राजधानियां देखेंगे उनकी लोकेशंस देखेंगे एक्चुअली क्या है मेरा उद्देश्य यह है कि यदि आप कभी भी वर्ल्ड का मैप देखो तो उस कंट्री का नाम ना भी लिखाओ तब भी आप अप्रोक्सिमेट पहचान पाओ कि यहां ये वो कंट्री हो सकती है या फिर कम से कम आइडिया लग जाए कि भैया आंख बंद करके भी देखें तो यार भारत यहां पर है तो उसके ऊपर चाइना है तो यहां पर आपका पाकिस्तान है ठीक है यहां तक तो आपको आता है अब भैया अमेरिका कितना दूर है कनाडा कहां पर है रूस कहां पर है तो ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए इसके लिए हम आज की क्लास चालू करने से पहले हमारी टीम से मिलवा देते हैं हमारी टीम एक से बढ़कर एक कंटेंट लेकर आती है हमारी पूरी पूरी टीम लेट्स एम्पी के एग्जाम की टीम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आती है और देखो भैया इसमें मेरा कुछ योगदान है भूगोल आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान फॉर एमपीपीएससी पटवारी और पुलिस की भर्ती के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज चालू करी है मैंने नई जिसमें करवाऊंगा मध्यप्रदेश का सामान्य साम नई क्लास चालू होने जा रही है वो बताऊंगा आपको बाद में लेकिन उसके पहले मेरा नाम है दिनेश ठाकुर डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप्पति सिंह अकेडमी इंदौर चौदह साल से देखकर वह पढ़ाने का हो गया है दो बार मेंस लिख चुका हूँ आठ लाख पर बच्चे पढ़ा चुका हूँ साथ में दो क्लासेस और हैं अन अकेडमी पर एक है साढ़े नौ बजे और एक है हमारी आठ बजे सो so ये दो क्लासेस अन अकेडमी पर है ये सुबह और ये शाम को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको स्पेशल इस क्लास बोलते हैं हवेली की क्लास बोलते हैं एक पेड क्लास है दस बजे ठीक है अनएकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक कोड दे रहा हूं दोस्तों मेरा वाला डी टी लाइव इस कोड का आप उपयोग करेंगे सो so आपको आसानी से बहुत सारे फायदे मिलने जा रहे हैं पुराना एम पी जी के अगर आप पढ़ना चाहें सो एम पी जी के वाई दिनेश ठाकुर सर्च कर लेना तो आपको दिनेश ठाकुर सर्च कर लेना तो आपको दो तीन लेक् दो तीन सीरीज मिलेगी वो सीरीज कंप्लीट कर लो दिनेश ठाकुर के भरोसे एम पी जी के बच्चे बोलते हैं सो मैं उस पर खरा उतरूंगा चिंता ना करें मैथ्स की क्लास चालू होने जा रही है अब देखो यार सर फैकल्टीज के पास टाइम खत्म था तो उनसे टाइम लिया हुआ है सो मैथ्स और साइंस की क्लास भी हमारे चालू हो जाएगी चिंता ना करें ठीक है बिल्कुल आराम से साइंस और मैथ दोनों चालू हो जाएगी संध्या जी अनकेडमी पर एक बात बताऊं अगर आपको बहुत जल्दी है कोई भी कोर्स कंप्लीट करने की चाहे पुलिस का हो एस आई का हो किसी का भी हो अन बना बना कोर्स पढ़ा हुआ है बस जाओ और खाओ खिचड़ी पकी पकाई है जाओ और खाओ अन की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गोल चूज कर लीजिए एमपीपीएससी व्यापम टेट छोड़कर बाकी सारे व्यापम के सब्जेक्ट यहाँ कवर कराए जाते हैं व्यापम पीएससी कराया जाता है स्वर्ण तो अकेडमी पर आप जा सकते हैं बैंक एसएससी, रेलवे यूपीएससी आईआईटी, जेई नीट कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना हो होनेडमी के माध्यम से आप कर सकते हैं साथ में लेकिन एक चीज ध्यान रखना फ्री लेक्चर अगर आपको चाहिए हो तो मुझे फॉलो कर लेना ठीक है फॉलो कर लेना और अगर फ्री लेक्चर के बाद अगर आपको पेमेंट का भी करना हो तो एक कोड दे रहा हूं मैं आपको बार बार बता रहा हूं जब भी आप पेमेंट सिलेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स आएगा इस बॉक्स में आपको डी लाइव आपको लिखना है क्या लिखना है डी लाइव जैसे आप डी लाइव अप्लाई एप करेंगे वहां पर लिखा हुआ जाएगा ऑसम डी लाइव कोड अप्लाइड और उसके बाद आपकी फीस कम हो जाएगी एक साल की फीस है दोस्तों दो सोच लो आप इसमें सारे सब्जेक्ट प्री मेंस पुलिस पटवारी अगर आएगी तो वो भी लेबर इंस्पेक्टर चालू है एम चालू है सब कुछ बना बनाया मिलेगा लाइव पढ़ लो या फिर रिकॉर्डेड भी देख लो पी मिलेगी टेस्ट सीरीज मिलेगी और गाइडेंस मिलेगा बहुत कुछ मिलने वाला है सो जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव ये भैया पेमेंट है एक साल का ये पेमेंट है दो साल का सोच लो दो साल में ग्यारह हजार रुपये किसको बोलते हैं यार दो साल तक चलेगी पढ़ाई आपकी ठीक है तो चलो भैया अब हम स्टार्ट कर दें जब भी पेमेंट करेंगे डी टी लाइव एक मैगजीन भी मिलेगी आपको नए नए बैच कोर्स चालू हो रहे हैं इसमें मैं भी तैयार पढ़ा रहा हूं आपको ये कोड आप अप्लाई करके तैयारी कर सकते हैं तो चलो भैया आ जाओ वर्चस्व करके मैगजीन मिलने जा रही है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी आप चिंता ना करें स्मार्ट लग रहा हूं धन्यवाद थैंक यू जय हिंद सो चलो भैया स्टार्ट करते हैं उसके पहले एक सेटिंग बिगड़ गई तो उस सेटिंग को सही कर लेते हैं एक मिनट रुको नाउ ऑल क्लियर नाउ इट्स ऑल क्लियर बहुत बढ़िया चलो भैया चलते हैं परफेक्ट है ओके okay. अब सही आ रहा है अब सही आ रहा है अब सही आ रहा है गुड जय हिंद भैया जय हिंद जय हिंद जय हिंद देखो यार ऐसा है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर हमने जैसे बोला कि जलमंडल है और थलमंडल है याद रखना कि यदि पृथ्वी को एक गोलाकार अंडाकार है वैसे तो पृथ्वी गोलाकार तो वैसे भी नहीं है गोल पृथ्वी को देखें तो यार देखो इसके ऊपर एक स्थल आकृति है जिसको बोलते हैं पर्वत पहाड़ कुछ पर्वत पहाड़ तो ऊंचे निकल गए कुछ छोटे रह गए और कुछ अभी भी पानी में डूबे हुए हैं समझ ना बात को पानी में डूबे हुए हैं यानी कि इसके ऊपर हमारा पानी भरा हुआ है और यह भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से ठहरा हुआ है हमारे ऊपर समंदर के रूप में भरा हुआ है अब इसके ऊपर आप जाएंगे ध्यान समझना ध्यान समझना हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जहां भी थल मंडल है जहां भी आप रह रहे हैं वो समुद्र में उभरा हुआ भाग या समुद्र के पर्वत हैं कुछ पर्वत बहुत विशाल हैं जो महाद्वीप बन गए कुछ पर्वत छोटे छोटे हैं जो बहुत और कुछ कुछ, कुछ बहुत ऊंची ऊंचे हैं So, कुछ ऊंच पर्वत तो हमको यहीं दिखाई देते हैं और कुछ पर्वत ऐसे बड़े बड़े हो गए जो स्थल के रूप में हम जानते हैं थल मंडल और इन्हीं एरियाज को हम महाद्वीप कहते हैं अगर आप देखें तो जल मंडल में से जल इकहत्तर परसेंट है बाकी 29 परसेंट भाग हमारा थल का आता है ठीक है इसलिए छोटी सी बात है लेकिन कई बात ऐसे ध्यान रखना कि ये थल जो है बेटा छोटे बड़े बहुत सारे भागों में बटा हुआ है ठीक है छोटे बड़े बहुत सारे भागों में बन रहा हुआ है इनमें से कुछ द्वीप बन जाते हैं छोटे छोटे द्वीप हैं कुछ इसमें महाद्वीप हैं सो so बड़े महाद्वीपों को या बड़े द्वीप जिनकी बहुत ज्यादा साइज कई लाख किलोमीटर हजार किलोमीटर में होती है उसको महाद्वीप बोल देते हैं और जिनकी ऊंचाई जिनकी जो डायमेंशन है वो कुछ किलोमीटर्स या बहुत कुछ मीटर्स में होती है उन्हें हम द्वीप बोल देते हैं क्या बोल देते हैं द्वीप बोल देते हैं तो महाद्वीप हमारे यहाँ पर धरती में बहुत सारी सीमाएं हैं जिसको और देखो एक बहुत खास बात यह है कि ऊपर से देखने पर यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर महाद्वीप की सीमाएं स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं अभी अगर जब हम मैप दिखाएंगे ना आपको मैप मैप दिखाऊंगा ना सो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा दूर से देखेंगे समुद्र में बीच में एक एरिया दिख रहा होगा इस एरिया को पहचान पाओगे आपके भैया ये लाल 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 एरिया जो दिख रहा है बाउंड्री दिख रही है ये कोई महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है ठीक है एशिया महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये वही देश है जहां मेरा प्यारा भारत है जी हां सी हमारा प्यारा भारत है अब इस भारत की बात करें तो भारत के साथ साथ बहुत सारे और भी देश हैं तो द्वीप की खास बात यह बोलना चाहता था मैं कि जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं और जिनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती छोटे 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 वो द्वीप होते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे ठीक है अब हम बेहतरीन तरीके से कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं पहले तो आप ये देखो भैया कि कौन किसका पड़ोसी है और कौन कौन से हमारे आस महाद्वीप है उसके बाद उनके देश और उनके बाद उनकी राजधानी तो डेली हम एक-एक महाद्वीप पकड़ेंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे एशिया उसकी राजधानियां सब कुछ पढ़ेंगे तो आज हम केवल एक मानचित्र को दिमाग में बिठाने के लिए आए हैं तो ध्यान से समझना एशिया एशिया के पास है यूरोप एशिया के पास क्या है यूरोप यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें छोटे-छोटे छोटे-छोटे बहुत सारे द्वीप हैं ठीक है अब यूरोप की जो यूरोप है एशिया है इसी के पड़ोस में देखें एशिया के तो दूसरा पड़ोसी हमारा ऑस्ट्रेलिया दूसरा पड़ोसी हमारा ऑस्ट्रेलिया ठीक है यहां पर एक विशेष प्रकार का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा आधा लाल आधा पिंक सो इस पर हम जिक्र करेंगे सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको केवल अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये मेरी मेहनत है छोटी सी कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से महा महाद्वीपों का नक्शा पढ़ा सकूं आप सब बहुत समझदार हैं आप बहुत सब लोग पढ़े लिखे होंगे और सबको मालूम होगा कि सर ये बच्चों वाली चीज क्यों पढ़ाई जा रही है हालांकि ये बच्चों वाली चीज है लेकिन आपके दिमाग में बसाने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगा ठीक है जी हाँ अब इस पर हम जिक्र करेंगे ठीक है यहां पर बीच में एक सागर भी है जो हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है अगला अगर इसी महाद्वीप के पास में देखे प्रशांत महासागर बेटा ध्यान रखना इन सागरों के बारे में डिटेलिंग भी मैं दूंगा आप, आपको ठीक है सब कुछ दूंगा ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर अब एक बड़ा सा मतलब एशिया के बाद सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो अफ्रीका करके एक हमारा महाद्वीप है इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं यार इनके जो देश है ना ये बहुत अच्छी डिजाइनिंग लगते हैं मेरे को सीधी सीधी लाइनें बहुत मिलती है इसमें हालांकि इससे ज्यादा सीधी लाइन आपको अमेरिका में मिलने वाली है तो इसके पास में है दक्षिण आर्कटिक महासागर ठीक है और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर अंटार्क सॉरी नहीं, अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो दक्षिण और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर एक्चुअल में देखा जाए तो अफ्रीका और अमेरिका के बीच उत्तरी अमेरिका दिख रहा है उत्तरी अमेरिका के बीच उत्तरी अंटार्कटिका महासागर होता है ठीक है इस पर हम और भी जिक्र करने जा रहे हैं लेकिन उसके पहले छोटी सी बात प्रशांत महासागर जो है इसको भले हमने बांट दिया है प्रशांत महासागर एक ही है बट हमने इसको उत्तरी प्रशांत महासागर में बांट दिया क्योंकि पृथ्वी गोल है तो उत्तर और पूर्व में हम पृथ्वी को बांट देते थे तो ये यहां पर आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है क्योंकि ये महासागर आपका घूम फिर के ऐसा ही आएगा एशिया और ऐसा ठीक है इसको मैं ग्लोब के माध्यम से तो समझाऊंगा चिंता ना करें अभी हम थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के बाद बात करें तो उत्तरी के जस्ट अमेरिका लगा हुआ है दक्षिण अमेरिका इसमें इस पुच्छी की बात भी हम करेंगे ये पुच्छी भी पढ़ाऊंगा मैं चिंता ना करिए बेटा सब धीरे धीरे दी धीरे 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 एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप जी हाँ, ठीक है टोटल डिप, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट क्या लिखा है अच्छा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा हुआ है मैं दिखाए। मेरा थोड़ा सा दूर से दिखता कमेंट का कम मैं कुल कितने महाद्वीप है भैया तो सात महाद्वीप की हम बात करने जा रहे हैं सात महाद्वीप है एक उसमें अंटार्कटिका भी आता है एक्चुअली अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा हो रही है ठंडा बहुत प्रदेश है अंटार्कटिका को देखेंगे हम ठीक है सो एशिया यूरोप अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया चार उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका छ और अंटार्कटिका बिल्कुल सही है ये हमारे महाद्वीप हैं जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं जी हाँ डन अब इसको एक बात है भाई छोटी सी जो बच्चा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहा है एक लाइक ठोक दो यार अगर आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो तो इसी प्रकार से हम भूगोल अब बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन एनिमेटेड तरीके से पढ़ने जा रहे हैं ठीक है थीके? सो आपको मजा आएगा चिंता ना करें तो भैया इस को डायग्राम को बना लो नोट कर लो अपने दिमाग में छाप लो अब हम आगे चलने वाले हैं ठीक तो है तो डन है ऑस्ट्रेलिया यानी कि कभी भी आपको महाद्वीप मिल जाए जिसमें नाम ना लिखे हों तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका लगभग एक सा दिखता है अंतर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहां पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है क्या हो जाती है चौड़ाई कम हो जाती है आप देखेंगे बिल्कुल ये ठीक है क्योंकि ये एक से कंफ्यूजन करते हैं बच्चों को ना करना ठीक है चलो भैया अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है पहले भी छोटा क्वेश्चन नहीं है बिकॉज हमने देखी कि हमारे ग्लोब पर तीन रेखाएं होती हैं ध्यान से समझना बेटा बहुत काम की चीज है अगर पृथ्वी को हम बिल्कुल सेंटर से काटें जीरो डिग्री इसको क्या बोलते हैं हम विश्ववत रेखा क्या बोलते हैं विश्ववत रेखा और इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा अब इसके ऊपर का जो पार्ट होता है यह हो उत्तर यह है दक्षिण तो इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर, सो तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा अब आप बोलेंगे सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं अगर हम देखें तो हमारे यहां पर मैक्सिमम जो महाद्वीप है एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा अलग से एक क्वेश्चन और लिख लो अलग से कि मैक्सिमम महाद्वीप यानी कि मैक्सिमम रहने लायक एरिया रहने लायक एरिया या मैक्सिमम थलमंडल जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है किसमें है उत्तरी गोलार्ध में है अभी आपको मैं समझा भी दूंगा ठीक है अभी क्योंकि अब्दुल बना नहीं पाऊंगा मैं और यहां पर नीचे भी है लेकिन कम मात्रा में है यानी कि ज्यादातर जो कंट्रीज़, ज्यादातर जो देश हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में हैं, जो कि विश्वत रेखा के उत्तर में है अब यहां से हम चलेंगे साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री एक रेखा और ऐसे ही साउथ की तरफ चलेंगे ये उत्तर की तरफ है उत्तर की तरफ है उत्तर और ऐसे ही चलेंगे साढ़े तेईस डिग्री नीचे की तरफ दो लाइन दिख रही है आपको ये, ये बन जाएगी आपकी कर्क रेखा और ये बन जाएगी आपकी मकर रेखा अब मैंने आपको ये रफ डायग्राम बना के दिखाया है इसको आप बिल्कुल डिजाइनर देखिए बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा बट ये साढ़े तेईस डिग्री को लिखने में कई बार लोग गलती करते हैं एक्चुअल में अगर उसको मिले लें तो तेईस डिग्री तीस मिनट होता है बेटा ये डिग्री का साइन है ये मिनट का साइन है तो तेईस डिग्री तीस मिनट भी बोलते हैं इसको और अगर इसको शॉर्ट में लिखोगे तो तेईस दशमलव पांच फिर ये डिग्री ही आएगा साढ़े तेईस डिग्री ही आएगा लिखने में अंतर हो जाता है इसलिए मैंने उसको समझा दिया आपको गलती ना करना चलते हैं इसे इक्वेटर जी हम बिल्कुल इक्वेटर बोलते हैं पंकज जी आर क्या बात है आप तो आ गए इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल ऑफ द ऑन द अर्थ और क्यों ना हो लॉन्गेस्ट सर्कल क्यों ना हो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि जब किसी भी गेंद या गोलाकार वस्तु के व्यास का मैक्सिमम पार्ट कहां होता है उसके बीच में होता है और अगर यहां से सर्कल खींचा जाए दोनों पूरा क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं हैं तो अच्छा या हुआ याद दिला दिया ये अक्षांश रेखाएं हैं कर्क रेखा भी अच्छा रेखा है मकर रेखा भी अच्छा रेखा है सबसे बड़ी आएगी विश्व रेखा भूमंत रेखा जिसको बोलते हैं बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया पंकज जी बहुत बढ़िया अब यहां पर इक्वेटर सबसे बड़ा क्यों है क्योंकि ये सेंटर से जाने वाला है लेकिन हम तीन रेखाओं के बारे में बात करेंगे पहली रेखा कर्क रेखा जिसके बारे में हम बात करें तो ये क्या था भैया हमारा उत्तरी अमेरिका ये क्या है हमारा दक्षिणी अमेरिका ये क्या है हमारा अफ्रीका, ये क्या है हमारा एशिया ये क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है हमारा यूरोप देख लो अब जो ये कर्क रेखा है ये दक्षिण अमेरिका से जाती है अफ्रीका से जाती है और एशिया से जाती है दिमाग में रखना क्वेश्चन यहां से बनता है ठीक है उत्तरी अमेरिका अफ्रीका और एशिया से गुजरती है कर्क रेखा सो एक दो और तीन हमारे पास आ गए यहीं पर अगर देखें भूमध्य रेखा जिसको आपने बोला अभी इक्वेटर इस पर हम बात करेंगे भूमध्य रेखा विश्वत रेखा दक्षिण अमेरिका से जाती है अफ्रीका से जाती है और एशिया से जाती है तीन से वो भी गई थी लेकिन उसमें दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका अलग अलग हो जाते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये वाला भैया ट्रंप को चाहिए ना अपने को जी हां ठीक है अब मकर रेखा की बात करेंगे मकर रेखा में भी एक खास बात है मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है अब यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी यहां पर आप देखेंगे ये अगर ये तीन लाइन आपको दिखाई दे रही हो एक दो और थर्ड हम देख रहे हैं मकर रेखा ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्री के, कैप्रिकॉन So, एक बात कॉमन है बहुत बेहतरीन तरीके से याद रख लो कि भैया एक मात्र महाद्वीप अफ्रीका है जहां से तीनों लाइंस तीनों महत्वपूर्ण लाइन निकल रही हैं कर्क भी निकल रही है भूमध्य भी निकल रही है और मकर रेखा भी निकल रही है सो so, अफ्रीका को नोट कर लिया जाए अफ्रीका इज द ओनली कंट्री थ्रू विच द ऑल द थ्री लॉन्गिट्यूड पासिस बिल्कुल सही पंकज जी ने वो बात मेरे मुंह के बात छीन ली सो so, ये तीनों हो गई ठीक है तीनों हो गई यहां पर बिल्कुल सही है ये अमेरिका अफ्रीका हो गया ठीक है डन कोई दिक्कत किसी को परफेक्ट है अब ये तीन पॉइंट आपको देखो कहां कहां से कौन कौन सी रेखा निकलती है महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं लेकिन आज के बाद आपको भूलना नहीं है बेटा एक बार और भले याद कर लो एक बार और भले याद कर लो लेकिन दोबारा बार बार देखो यार एक बार पढ़ो अच्छा पढ़ो उत्तरी अमेरिका अफ्रीका और और एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन यूरोप से एक भी रेखा नहीं निकलती ठीक है हालांकि अंटार्टिका से भी निकलती है लेकिन यूरोप से भी नहीं निकलती यूरोप की भी एक फेमस महाद्वीप है ठीक है अभी मोहित जैन जी मैंने चालू नहीं करी है रीजनिंग की क्लास इसलिए तो बोल रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा आपको चिंता ना करें अभी अपन बात कर लेते हैं ठीक है यहां पर अब ये तीनों रेखा हमने आप बता दी आपको सो आराम से इसको आप चाहे तो आंखों में बसा लीजिए आगे बढ़ते हैं जी प्रिया राय जी वही मैंने बोला है जब कोई पृथ्वी को जीरो डिग्री पर दो बराबर भागों में काटती है वो भूमध्य रेखा है उत्तरी ध्रुव पर रेखा के समांतर एक डिग्री उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में साढ़े तेईस डिग्री पर खींची गई रेखा कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा सो ये तो हमारी हो गई ये हमारी कर्क रेखा ये भूमध्य रेखा ये मकर रेखा ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं तो मैंने लिखवा दिया आपको पहले भी अब सात महाद्वीप हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्षेत्रफल के अनुसार नोट कर लेना क्वेश्चन आप यहां से बनेंगे आपके ठीक है कॉन्टिनेंट्स बाय एरियाज लास्ट ध्यान से ध्यान से समझना अब देखो भैया अब आएंगे मजे जैसे कि अगर हम बात की जाए कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है एशिया क्या आता है एशिया एशिया की बात करें तो एशिया का जो एरिया है वो चार करोड़ छियालीस लाख वर्ग किलोमीटर के साथ में पृथ्वी का तीस परसेंट हिस्सा कवर किए हुए है और याद रखना एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा नंबर वन पर नंबर वन पर ठीक है नंबर वन पर सो so, एशिया जो है एशिया है नंबर वन पर चार करोड़ छियालीस लाख इसका एरिया है और इसका कितना परसेंट भाग इसने रख रखा है तो थर्टी परसेंट रख रखा है एक जल्दी से मैं ये ऑन तब करूंगा जब इसमें लाइक हो जाएंगे भैया सो फटाफट लाइक कर दो सो कर दो और एक रिक्वेस्ट है सभी से जिन बच्चों ने इसको शेयर नहीं किया है शेयर करो क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं आपको दिख रही होगी तो ये मेहनत मेरी सफल होनी चाहिए वेस्ट ना जाए इसके लिए आप लोग शेयर कर देना बच्चों लाइक करो दिल फटाफट फटाफट फास्ट सो कर दो सो कर दो हो गए क्या बात कर रहे हो ठीक है यार देखो इतनी मेहनत करते दे तो यार बोलना पड़ा मजा नहीं आता यार है ना चार करोड़ छियालीस लाख के साथ दूसरे नंबर पर आता है पड़ोसी उसका अफ्रीका हालांकि पड़ोसी अफ्रीका का देख है तो ये तीन करोड़ दो लाख लगभग एक करोड़ का अंतर है वैसी विशाल है बहुत सारा सो दूसरा नंबर यहां पर आ रहा है तीन करोड़ दो लाख के साथ बीस परसेंट यानी कि बीस दशमलव चार परसेंट परसेंट जानबूझ के लिख रहा हूं मैं नमस्कार राहुल जी सो so, यहां पर 20% परसेंट और यह 30% परसेंट आ गया इसके बाद आएगा हमारा उत्तरी अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका दो करोड़ सैतालीस लाख वर्ग किलोमीटर 16.5% परसेंट के साथ 16.5% परसेंट के साथ भैया ये महाद्वीप है महाद्वीप में भी अमेरिका होते हैं ठीक है महाद्वीप में अमेरिका अलग से हैं, ठीक है ये ठीक है उत्तरी अमेरिका में कितने सारे कंट्रीज हैं उसमें हमारा यहां पर है एक अमेरिका जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रंप खेलते हैं वहां पे दक्षिण अमेरिका है एक करोड़ अठहत्तर लाख वर्ग किलोमीटर ठीक है ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके अंदर कंट्रीज हैं जो अमेरिका के नाम से जानी जाती हैं ठीक है ना अब ये बारह परसेंट के साथ में है एक करोड़ अठहत्तर के साथ में उसके बाद आएगी पांचवे नंबर पे अंटार्कटिका अंटार्कटिका एक करोड़ चालीस लाख वर्ग किलोमीटर नाइन पॉइंट टू परसेंट के साथ में ठीक है नाइन पॉइंट टू परसेंट के साथ में सो so, पांचवे नंबर पर आ गया अब छठवें नंबर पर चलते हैं हम यूरोप यूरोप एक करोड़ दो लाख यानी कि है तो छोटा ये सिक्स नंबर पर है बट छोटी छोटी कंट्री यहां पे कंट्रीज की साइज छोटी है यानी जैसे बोलते ना कि ये प्लॉट की साइज छोटी है यहां पे प्लॉट की साइज छोटी है यहां पे बिल्कुल ठीक है यूरोप और लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है ओशनिया ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपको मिल रहा है यह ओशनिया के नाम से जाना जाता है सतहत्तर लाख वर्ग किलोमीटर के साथ में सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है इसको ओशनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह महाद्वीप चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है बाकी सारे भी घिरे हुए हैं लेकिन ये ये थोड़ा छोटा है साइज में तो इसको इसके साइज़ के हिसाब से समुद्र ज़्यादा है इसके आसपास ठीक है सो ओशनिया बोलते हैं तो इसके भैया इतने सारे पॉइंट हैं आप चाहो तो इसका स्नैप ले लो चाहो तो इसको नोट करो लेकिन नोट करते जाना क्योंकि मैं आपको नोट कराने के पर्पज से ही लिखवा रहा हूं अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे बेटा लिखेंगे नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी आपको और पढ़ाने के तरीके में आप बस मुझे रेटिंग दे दो प्लस प्लस और माइनस माइनस कैसा लग रहा है आगे बढ़ते हैं कंटेंट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज थैंक यू पंकज जी बहुत बढ़िया धन्यवाद न्यूजीलैंड की हम बात करने जा रहे हैं बाद में करेंगे जरूर एक बार न्यूजीलैंड दिखाएंगे आपको अब सात जन महाद्वीप जो है ये जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन के अनुसार क्रम में लिखते हैं तो भैया एशिया की बात करें तो सबसे नंबर वन पर है चार करोड़ पूरे दुनिया की 59.76 परसेंट जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है ठीक है एशिया में निवास करती है अब करोड़ में देखें तो चार करोड़ लोग केवल एशिया में रहते हैं दूसरा नंबर वही सेकंड लार्जेस्ट 133 करोड़ सोलह दशमलव सात दो लेकिन थर्ड नंबर पर यूरोप आता है चौहत्तर करोड़ के साथ में समझ में आ गया ऐसा देखा जाए तो यूरोप जो है वो छठवें नंबर पर आता है सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है लैंड के मामले में क्षेत्रफल के मामले में लेकिन यूरोप थर्ड रैंक पर आता है जनसंख्या के मामले में तो छह बटा दो तीन तो कितना आ गया नाइन पॉइंट एट थ्री परसेंट यूरोप में है उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका जिसमें अट्ठावन करोड़ लोग रहते हैं उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका जिसमें बयालीस दशमलव आठ सात करोड़ लोग रहते हैं और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया जिसमें कि टू पॉइंट फाइव फाइव वन करोड़ लोग रहते हैं सो याद रखना भैया ये इसमें लिखा नहीं इन्होंने ये वन नंबर पर है ये दो नंबर पर है ये तीन नंबर पर है ये चार नंबर पर है ये पांच नंबर पर है और ये छह नंबर पर है ठीक है भले अंटार्कटिका की आ, साइज ज्यादा है लेकिन भैया यहां पर लोग कम रहते हैं ठीक है सो यहां पर बहुत ही लोग कम से रहते हैं सिर्फ चार हजार से पांच हजार लोग ही रहते हैं ठीक है पूरा प्लॉट खाली है जाओ जिसको जो यहां रहना हो रहा हो पूरा खाली है किसी को रहना वहां तो चले जाना बेटा ठीक है कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है वो हम मान गए ठीक है लेकिन जनसंख्या के मामले में एशिया अफ्रीका के बाद यूरोप का नंबर आता है इसको अलग से नोट कर लीजिएगा परफेक्ट पन्ना बुंदेलखंड से क्या बात है भैया कैसे हो राम राम भैया सुबेरे सबेरे की ठीक है डन है सो चलो भैया आगे बढ़ते हैं अंटार्टिका हो गया हमारा सातवें नंबर पर तो इसका भी आप स्पेशली नोट uh, कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अंटार्क्टिका पर आबादी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां मुख्यतः बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है ऑब्वियसली और यहां पर uh, हर साल बहुत ज्यादा सर्दी होती है और केवल खोजकर्ता और वैज्ञानिक ही यहां पर रहते हैं तो उनकी जनसंख्या हमने काउंट कर लिया हालांकि वो वहां के मूल निवासी नहीं है गैलेक्सी सोलर सिस्टम अर्थ कॉन्टिनेंटल अनाउड वन सेवेंटी करोड़ पीपल्स बट ओनली वन दिनेश ठाकुर क्या बात है पंकज जी धन्यवाद 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 मतलब हमने गैलेक्सी में न मुझे अकेला खड़ा कर दिया लाके क्या बात है सैल्यूट चलो भैया बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं भैया देखो बुंदेलखंड का नाम तो रोशन करेंगे सही हम अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं भैया मैं तो इंडिया के बाद बाहर अदर मेरा प्लानिंग चल रही है हालांकि वर्ल्ड लेवल की क्लास में लेने जा रहा हूँ कहीं पर और बट वो चालू करेंगे उसके बाद धीरे धीरे बट अभी इसमें समय लगेगा बट थैंक्स थैंक थैंक यू वेरी मच सो चलो भैया सात महाद्वीपों के देश हमने जनसंख्या देख ली अब देशों की संख्या देख लो उसके हिसाब से कौन सी कंट्री किस नंबर पर है देखो देशों की संख्या और पॉपुलेशन में अंतर होता है पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या देश में मतलब कितनी कंट्रीज हैं तो भैया एशिया में हमारे पास 48 कंट्री हैं कितनी है फोर्टी कित देखना कल से अपन एक एक करके एक एक महाद्वीप पढ़ेंगे अपन भले सात दिन लग जाए बेटा लेकिन एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए सो अड़तालीस कंट्री है यहाँ पर अफ्रीका में हमारे पास है चौवन कंट्री ठीक है अड़तालीस कंट्री है हमारी यहाँ पर सो नंबर वन पर अफ्रीका है और अड़तालीस कंट्री हमारी एशिया में है यूरोप में हमारे पास इक्यावन सॉरी हाँ दो नंबर पर है यार क्षमा चाहूँगा दो नंबर पर है हमारा ये हटाई देता हूँ ना अभी जल्दबाजी में गलती हो गई अफ्रीका में चौवन कंट्री है और ये बोल रहा था प्लॉट साइड छोटे हैं यहां पर छोटी 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 बहुत सारी कंट्री है कहां पर यूरोप में हालांकि बेटा छोटा है वो साइज में उत्तरी अमेरिका में तेईस दक्षिण अमेरिका में बारह और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास चौदह कंट्री ठीक है सो नंबर वन पर आएगा हमारे पास अफ्रीका नंबर दो पर आ जाएगा हमारे पास यूरोप और नंबर तीन पर आ जाएगा हमारे पास एशिया अब आप बोलेंगे सर एशिया में कंट्री कम क्यों भैया एक सबसे बड़ा महान मतलब अच्छा सबसे बड़ा देश कौन सा है इंडिया, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड का वर्ण का सबसे बड़ा देश क्षेत्र के मामले में कौन सा है जल्दी बताओ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जल्दी बताओ अमेरिका चाइना या रसिया एग्जैक्टली इसी वजह से आप देखेंगे यार लगभग ये माने चलो रशिया जो है ना ये रशियन है मेरे बच्चे जानते होंगे ये रशियन है सो यार मंगोलिया भी लगा दिया मैंने सॉरी यार क्षमा चाहूंगा मंगोलिया यहां पर बीच में ये चाइना है ये मंगोलिया यहां पर ये तो ऊपर का लगभग लगभग ये मान चलो कि 20 से 22 परसेंट एरिया तो हमारा रूस ही ले जाता है सो अड़तालीस कंट्री है यहां पर ध्यान रखना है ना अब देखो यार एशिया और चाइना मिला दे तो लगभग लगभग फिफ्टी परसेंट तो गायबी हो जाता है मंगोलिया के साथ में सो so, एशिया में ये दो कंट्री ही भारी पड़ रही हैं रूस और चाइना ठीक है सो so, नंबर वन पर यूरोप नंबर दो पर आ, अफ्रीका नंबर तीन पर एशिया फिर आपका आएगा उत्तरी अमेरिका तेईस कंट्री के साथ में बारह के साथ दक्षिण अमेरिका और सॉरी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया ज्यादा है चौदह कंट्री है और यहां पर बारह है ठीक है सो अपनी ये सीक्वेंसिंग याद कर लीजिएगा परफेक्ट हो जाएगी यहां पर अगर देखें तो कोई कंट्री वंट्री देशे का नाम नहीं है एंट्राइट का अपने आप में पूरा खाली पड़ा हुआ जिसको जाना हो प्लॉट काट लो भैया चांद चांद पर जा रहे हैं सब लोग इससे तो का चले जाओ बेटा वहां पर पढ़ाए वहां पर जाके घर बसा ले बच्चे जो चांद पे जाना है रसिया हो गया भैया नोट हो गए चलो भैया शानदार सीमेंट के रंग बहुत बढ़िया लाइक ठोको शेयर कर देना है ना अब हम बात करेंगे एशिया और यूरोप दोनों को अगर हम मिला दें तो कभी कभी महाद्वीपों की संख्या कई जगह पर कम बताई जाती है कुछ लोग छह महाद्वीप बोलते हैं क्योंकि वो यूरोप और एशिया को एक ही महाद्वीप काउंट करते हैं तो कभी आपसे इंटरव्यू में पूछना कभी बातचीत निकले कभी उखड़े कि भैया कहीं कहीं तो हमने छह महाद्वीप पढ़े हैं क्या ये सच है तो बोला हाँ ये सच हो सकता है यदि यूरोप और एशिया को मिला दिया जाए तो एक एक यूरेशिया बन जाता है ये महाद्वीप पूरा बन जाएगा यूरेशिया सो so, दो कंट्री को हम इकट्ठा कर सकते हैं ओ oh, सॉरी दो कॉन्टिनेंट को इकट्ठा कर सकते हैं सो so, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एशिया और यूरोप और अफ्रीका की बात करें तीनों को मिला दिया जाए तो यूराफ्रेशिया एक वर्ड आता है सो so, यूराफ्रेशिया हालांकि ये महाद्वीप नहीं बोलते क्योंकि अपने आप अप में लग महादीप है ही सही बट तीनों को है तो यूराफ्रेशिया ठीक है यूराफ्रेशिया बोलते हैं परफेक्ट है जोबर की बात करेंगे हम अलग से जोबर की बात करेंगे से उसमें कुछ विवादित हैं कुछ चीजें विवादित हैं ठीक है जी हाँ जोबोडिला की बात करेंगे जोबोडिला महादीप की बात करने वाले हैं हम जोबोडिला महादीप के लिए इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि उसमें कुछ चीजें विवादित हैं अगर वो क्लियर होती है तो कल अपने उसी पर डिस्कशन है एक्चुअल में ये वो चीज है जो हम ऑलरेडी पहले से बुक्स के हिसाब से पढ़ते आ है। रहे हैं जोबोडिला रहेगा तो कल हम उसको डिस्कशन करने वाले भी हैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है निश्चित तरीके पारा सर जी अभी हवेली पर चलना अपने को हवेली पर चलना है अपने को ठीक है उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर अमेरिका महाद्वीप अकेला कहा जा सकता है अमेरिका महाद्वीप अकेला कहा जा सकता है ठीक है जी हां जोबोडिल्ला के बारे में हम बात करने वाले हैं जी हां ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही सिलेबस में ऐड होगा वही बोल रहा हूं सर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन तो मिले अपने को तो अभी तो मन को यही पढ़ना है जोबोडिल्ला होगा उसको हम जो विवाद है वो हम डिस्कस करेंगे है ना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलाकर दक्षिणी महाद्वीप कहा जाता है ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है भैया दक्षिणी महाद्वीप अगर कभी बोलने आपसे तो इसमें कौन कौन से आएंगे दो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका ठीक है अभी हमने जब फोटो खिंचवाया था तो आपने देखा था ना मैक्सिमम कंट्रीज हमारी ऊपर साइड ही है ठीक है दक्षिणी महाद्वीप हमारे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका ही आ रहे हैं बाकी सब तो निपट गए ऊपर साइड ठीक है सो so ये हमारी कंट्री है हम जो आपका, आपका बाकी का पोर्शन अच्छा कैसा लगा आज का मेरा पढ़ाना कमेंट बॉक्स में लिखो और बीच बच्चों शेयर जरूर कर देना यहां पर एक डायग्राम जरूर दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को जो जरूरी था ये वाला इसकी हम बात कर रहे थे भूमध्य रेखा अगर हम यहाँ से खींच देते हैं भूमध्य रेखा अगर हम यहाँ से खींच देते हैं यहीं से निकलते अफ्रीका और अच्छा अमेरिका तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है जनसंख्या भी है और एरिया ऑफ लैंड भी हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही है ठीक है भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा है ना प्लीज शेयर कर दो यार बच्चों जो भी है अभी क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी है और जिनको हवेली पर पहुंचना है वहां कैसे पढ़ाई करते हैं बस वो रुक सकते हैं बाकी लोग जाके इसको शेयर कर दो ठीक है ताकि लोग जुड़ जाए कल से क्योंकि कल से हम एशिया महादि पढ़ेंगे एशिया महादी पढ़ेंगे कंट्रीज पढ़ेंगे उनकी राजधानियां पढ़ेंगे उनके झंडे पढ़ेंगे मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं हम ठीक है क्योंकि भूगोल पढ़ने से पहले बच्चे पूछते हैं सर ये विश्व का भारत भूगोल क्यों नहीं पढ़ाते हो एकदम से भैया भारत हमारा ये रहा जब कोई चीज किसी का पार्ट या हिस्सा होती है ना तो उसके पहले उसके बड़े चीज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है डायरेक्ट भाग भागल भूगल भारत का पढ़ा दूंगा ना मैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस हो जाएंगी आपकी फिर उसको लिए फिर वापस पीछे जाओ तो इससे अच्छा है भाई पंद्रह दिन और लगा दो ना एक्स्ट्रा क्या बोलते हो सही है ना तो थोड़े दिन ये पढ़ लो उसके बाद हम भारत का भूगोल चालू कर देंगे हालांकि मैंने कुछ चीजें पृथ्वी उत्पत्ति गाय भी कर दी इसमें से पृथ्वी उत्पत्ति लेकिन मुझे पढ़ानी पड़ेगी एक दिन छोटी सी रीजन ये है कि जो चट्टाने हैं हमारे यहाँ पर पर्वत हैं हमारे यहाँ पर वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही बने हैं अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं भैया मैंने डायरेक्ट बता दिया भैया कि महा गोंडवाना लैंड से हमारे यहां पर पर्वत बने हुए हैं हमारे यहां पर प्लेट में बर्तिकी से हमारा हिमालय पर्वत बना हुआ है जब हमको प्लेट में बर्त नहीं पता जब हमको भूगर्भ एक हलचले नहीं पता तो फिर पर्वत पठार पढ़ोगे कैसे बच्चों ये पर्वत पठार बने कैसे आए कहां से समझ लो ना इसीलिए मैं आपको बेसिक पहले क्लियर करा रहा हूं तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो वाय लगा दीजिए भैया जरूरी है ये बच्चे बोलते हैं सर ये केवल आप डायरेक्ट वही पढ़ा दो भारत में बोली ही शुरू कर दो भाई भारत में बोल तो मैं शुरू कर दूंगा यदि आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा होगा तो बट जो बच्चे जीरो से कर रहे हैं सो बेचारे वो कहाँ जाएंगे और जो बच्चे पुराने हैं वो कम से कम रिविजन कर लेंगे उसको क्या है रिविजन करना बुरा थोड़ी होता है अच्छा होता है पंकज जी वहाँ पर डेली आते हैं पंकज जी पारा जी तो आप हवेली पर कैसे चलना है देखो भैया हवेली पर चलने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी है चलो हवेली पर चलते हैं हवेली पर चलना है सबको हवेली क्लास हमारी साढ़े नौ से रहती है डेली कब से रहती है साढ़े नौ से ये कुछ YouTube पर मेरी पुरानी क्लास आप सर्च कर सकते हो YouTube पर मेरी पुरानी क्लासेस सर्च कर सकते हो ये ठीक है एमपीजी के ज्योग्राफी हो जाएगा हवेली मतलब होता है अन अकेडमी की लर्निंग एप इंस्टॉल कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जीएस पेपर वन का टेस्ट लगवाऊंगा मैं पीएससी वालों के लिए अन लर्निंग एप इंस्टॉल कीजिए गोल चूज कीजिए एम पी एंड व्यापम क्या चूज करेंगे एम पी एंड व्यापम जैसे आप ये गोल चूज करेंगे उसके बाद एक नाम सर्च कर लेना दिनेश ठाकुर ये सर्च, ये क्या सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना यहां से दिनेश ठाकुर लिख लेना या दिनेश प्रताप सिंह लिख लेना चलेगा फिर मुझे आप फॉलो करना सोलह हजार ऊपर बच्चे फॉलो कर चुके हैं फॉलो करने के बाद अगर आपको कभी लगता है कि भैया पेमेंट करने की बारी आ गई है आपको कभी पेमेंट करना है सो पेमेंट क्यों करें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थांक इस तरह तो इस स्कूल में भी नहीं पढ़ी ज्योग्राफी क्या बात है जागृति त्रिपाठी जी धन्यवाद ठीक so है सो ये आठ हजार आठ भैया ये बात आपको बच्चों को भी फैलाना है सबको बताना है कि ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं कुछ अलग तरीके से ठीक है पेमेंट करते समय अकेडमी पर आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा डी टी लाइफ इससे क्या मिलेगा देखो इससे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके कितने ही फोन आए कि ये कोड वो कोड भैया देखो कोड ये लगाना क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटर से मिल जाएगी मैं आपको गाइड करूंगा वहां पे क्योंकि कोड आप कोई भी लगाएंगे डिस्काउंट में मिल जाएगा तो डिस्काउंट तो मेरे से ही मिल रहा है है उसमें क्या दित? बड़ी बात डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा क्या मेरी मेंटर से मिल जाएगी कोड अप्लाई कीजिए दो साल का कोर्स ग्यारह हजार में और एक साल का कोर्स सात हजार रुपये में मिल रहा है सात हजार नौ सौ में पीडीएफ मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में हो तो बताइए शानदार सीमेंट के रंग का करोड़ दिया जी चलिए भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब पहुंचो हवेली पर पहुंचते हैं पांच मिनट मिलते हैं दिया जी क्या है बताओ इस क्लास को फुल सपोर्ट देना है बच्चों सभी को है ना जो सपोर्ट करेंगे वो मेरा सपोर्ट ये करेंगे कि कम से कम शेयर कर देना वीडियो लाइक कर देना यार और कमेंट में लिख दिया करो यार शेयर करो लाइक करो तो बच्चे कम से कम समझेंगे आप लोग लिख दिया करो ठीक है जब भी अपनी क्लास चलती है तब सर ये क्लास कब से स्टार्ट हुई है ये सिक्स नंबर की क्लास है छ नंबर नंबर की क्लास है मैडम तो छठवें नंबर की जो क्लास है ना इस वजह से इसके पहले पांच क्लास है प्ले लिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिनट रुक जाओ डिस्कशन बॉक्स में प्ले लिस्ट दी है कंप्लीट जियोग्राफी के नाम से तो वो आप पढ़ लीजिए कौन सी प्ले लिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पांचों सेक्शन कवर कर लीजिए ठीक है जय हिंद सही है म्यूचुअल फंड सही नहीं है रिविजन सही है थैंक यू